Pasti kan ini being impact home blind ini. Pasti kan itu kan yang hari hari pagi waktu jam jam ini, temui ini, pasti am ini deh, ini nanti cuci 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 saya ini, di mana kita percaya sih kepada si pekerja ini dia belum tahu. Jadi waktu saya waktu ini apa yang kita beli, aja kita orang apa yang satu pun, mau sampai kan mau nih jaga pas pas punya kan, ni kita sih kita kan kita gaya dan baik pada waktu ini bawa ni kita suka jalan pada dek asal saya dalam tu, kan dia ini ada satu tempat, ada satu tempat, jangan bahkan tu jauh ke tu. कोशिश करने के लिए हल्की बारिश लाता था जहाँ गर्मियों का सूरज सुनहरा था तो वो गर्म कर देना था जहाँ सतह रिक्त पेड़ों को लाल सोने के रंगों से रंग देती थी नदियाँ हल्की थी अन्यथा श्रम से दूषण जलवायु से राहत मात्र थी लेकिन जब ऋतु ने अपना सामंजस्य खो दिया है परेशानी का पहला संकेत तब आया जब सर्दियाँ बढ़ गई और कभी शांत रहने वाला समुद्र भयंकर रूप से गुजरने लगा वो पानी जो एक समय दुर्लभ था अब नियमित आवंत बन गया जो मछुआरे अपने आजीविका के लिए समुद्र को निर्भर थे उन्होंने पाया कि नावें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और उनकी मछलियाँ कम हो रही है नगर वासियों को हर सर्दी में डर के साय में छिपना पड़ता था और अपने घर के लिए त्योहार के निरंतर हमले का सामना करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती थी वसंत पानी अभी का पैटर्न लेकर आया कभी कभी यह लगातार बढ़ता रहा जिससे विकासकारी बाढ़ आई जो घरों को आजीविका को बहा ले गई अन्य समय में भूमि बारिश के लिए तरसती थी जिससे उपजाऊ मिट्टी पटी हुई और बंजर भूमि में बदलती जाती थी किसान जो पूर्व अनुमानित मौसम का भरोसा करते थे अपने अपनी फसलों को अनियमित जलवायु की दया पर निर्भर करते थे गर्मियों की चिंताकारी गर्मी पास सहनीय टूट गई और समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण कभी जीवन समुद्र तक नष्ट हो जाए पर्यटकों को आना बंद हो गया कारोबार प्रभावित हुआ शहर की एकता की भाषा जो कभी जो कि अब कमजोर होने लगी थी क्योंकि लोगों ने अपनी बदकिस्मती के लिए दूसरे को दूसरे डराया इन चुनौतियों के बीच आशा के किरण भी जारी शहरवासियों का एक समूह एक जलवायु कार्यवाही समिति बनाने के लिए एक साथ आया उन्होंने कटाव से निपटने के लिए पेड़ लगाए लचीले घर बनाए और समुदाय को टिकाऊ प्रथाओं के बारे में शिक्षित करा वे अपने प्रिय हाथ नदी देश की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थे जैसे जैसे साल बीतते गए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एक भयानक प्रतिकूल बना रहा है लेकिन हारमनी डे की भावना कायम रही शहर के लोगों ने अनुकूलन करना अनिश्चितता का सामना करना और तूफानों के बीच शांति के क्षणों को संजोना सीखा वे जानते थे कि अपने घर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए जलवायु परिवर्तन के पीड़ितों के रूप में नहीं बल्कि अपने पर्यावरण के प्रबंधकों के रूप में एकता खड़ा होना अंत में हारमनी डे जो कि सभी जलवायु परिवर्तन अनमनीय तूफान से घिर गया था वो एकता और लचीलेपन में ताकत मिली जिसने दुनिया को सिखाया कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी जब समुदाय